बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब्जी, टिंडे की सब्जी बनानी है, टिंडे की भुजिया आप इसको कह लें। ये टिंडे जो हैं, ये हैं सर्दियों के टिंडे, ये हैं एक पाव। इसको मैंने छीलने के बाद और स्लाइस में कट कर लिया, बहुत जल्दी से पक जाते हैं। स्पाइसेस में इसमें जाएगा हाफ टी स्पून जो है ज़ीरा है, हाफ टी स्पून ही नमक है, क्वार्टर टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। इसके अंदर एक प्याज है, उसको मैंने कट कर लिया है, और एक टमाटर है, एक हरी मिर्च थी बड़ी, उसको भी मैंने कट कर लिया है। तो हम इसके लिए लेंगे क्या, क्वार्टर कप कुकिंग ऑयल, और जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म होता है इसके अंदर डाल देंगे हम हाफ टी स्पून ज़ीरा। ये जी ज़ीरा डाल दिया है, ज़ीरे का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज। ऑयल गरम करने के बाद इसके अंदर डाला है हाफ टी स्पून जीरा, और हाफ टी स्पून जीरा डालने के बाद इसके अंदर हमने डाल दी है एक प्याज, और अब प्याज को हमने लाइट पिंक कलर देना है। ये बहुत कम टाइम के लिए आती है सब्जी, टिंडे की जो ये सब्जी है सर्दियों के मौसम में ही आती है और बहुत कम टाइम के लिए आती है। तो जी ये प्याज को हम पिंक कलर देते हैं प्याज को। प्याज का कलर गोल्डन हो गया, हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज के अंदर टमाटर और हरी मिर्चें, साथ ही हम ये स्पाइसेस डाल देंगे और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर पानी। प्याज लाइट पिंक हो गई, इसके अंदर हमने हरी मिर्च, टमाटर और वो तमाम स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे वो डाल दिए हैं। डालने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा पानी डाल दिया ताकि जो ये टमाटर है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, और अभी मैं कर देती हूँ इसको कवर कर देती हूँ ताकि जो ये इसके अंदर मैंने टमाटर डाले हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। साथ ही इसके अंदर हमने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, अब इसको कर दूंगी मैं कवर। नमक, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी ये डाला है, टमाटर हरी मिर्च डाली है, और साथ में अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, अब इसको कर देंगे कवर। इसको मैंने कवर कर दिया था 1 से 2 मिनट के लिए, और इसके बाद अब इसको जो है हमने भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद इसके अंदर ये टिंडे ऐड कर देंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है, अब इसके अंदर जो ये टिंडे काट के रखे थे डाल दिए। मसाला जैसे मिक्स कर दिया है, इसको कवर कर दिया, फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया, बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। तो अभी वेट करते हैं इसके पकने का। इसको मैंने बीच में चेक किया था तो मुझे मिल्क थी इसमें, मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब पानी डाला था, 3 टेबल स्पून के करीब पानी डाला था। और ये देखें जी, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए और घुल भी गए हैं, सॉरी घुल गए कह रही हूँ, गल भी गए हैं। तो फ्लेम को ऑफ करते हैं, उसको निकालते हैं प्लेट में। टिंडे की सब्जी आप इसको कह लीजिए या फिर टिंडे की भुजिया कह लीजिए। तो देखिए आप कितनी जल्दी से और कितनी कम चीज़ें डालकर एक मज़ेदार सी जो है ये भुजिया रेडी कर लिए, बहुत जल्दी बन जाती है, तो आप ट्राई कीजिएगा। और वो मैंने कहा था कि गल गए, और मेरे से मैंने इसको बोल ये दिया कि घुल गए, तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। बनाइएगा, बहुत आसान सी जो है ये रेसिपी थी मेरी। अपनी बहुत सारी दुआओं में आप हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।